और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार को परिभाषित किया है। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह बात कही। राहुल बताएं कि एचएल पावा से रिश्ते क्या हैं। जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच चल रही है। ये तमाम बातें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। भ्रष्टाचार में जीजा साला की मिली भगत है, ये आरोप लगाया है रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी पर, और ये आरोप लगाया है स्मृति ईरानी ने। कि यूपीए की सरकार के वक्त पेट्रोलियम से संबंधित एक सौदे में और रक्षा से संबंधित एक सौदे में संजय भंडारी सीसी थंपी के तार जुड़े हुए हैं। पेट्रोलियम और रक्षा सौदे की जांचों में पैसे का ट्रेल न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंचा बल्कि अब देश जान पाया है कि जीजा जी के साथ साले साहब भी इस फैमिली पैकेज भ्रष्टाचार के में लिप्त है। आज इन तथ्यों को पढ़ने के बाद जनता शायद समझ पाई है कि डिफेंस के सौदों में राहुल गांधी विशेष रुचि क्यों ले रहे हैं। इवेड्स क्वेश्चन अबाउट द फैमिली पैकेज ऑफ करप्शन टुडे राहुल गांधी वॉज आस्ड बाय अ यंग सिटीजन अबाउट द रोल ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। ही चोज टू यूज नरेंद्र मोदी एज अ शील्ड। वी कैन इमेजिन द एम्बेरसमेंट मिस्टर वाड्रा कॉजेज मिस्टर गांधी, बट टुडे राहुल गांधी हैज बिकम अ ह्यूज रोड ब्लॉक फॉर द कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ। लोगों को लगता था कि करप्शन में सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा लिप्त हैं। आज ये तथ्य जो सामने आए हैं उससे पता चलता है रॉबर्ट वाड्रा तो करप्शन का सिर्फ एक मुखौटा है, असली चेहरा पीछे करप्शन का राहुल गांधी स्वयं है। अब तक ये माना जाता था कि संजय भंडारी जो आर्म्स डीलर हैं उनका संबंध मात्र रॉबर्ट वाड्रा के साथ है, लेकिन अब देश की जानकारी में आया है कि यह संबंध रॉबर्ट वाड्रा के साले साहब राहुल गांधी तक भी पहुंचता है। भ्रष्टाचार में जीजा साला की क्या मिली भगत है संजय भंडारी सीसी थंपी एचएल पावा के साथ, जो समाचार सूत्रों के माध्यम से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, इस पर अब राहुल गांधी को देश को जवाब देना होगा। फॉर हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट, सो मच सो दैट ही इज विलिंग टू सैक्रिफाइस the defense preparedness of our country only so that his friend Sanjay Bhandari can have a hand in the cookie jar. Rajesh Pandey continues to hit out at Prime Minister. He says that if when they come to power and they carry out an investigation in the entire Rafale matter, he has no doubt that Prime Minister Anil Ambani Pambani will be a candidate. Like I said, today Mr. Gandhi needs to answer, is he smarting from the defense preparedness of our country because his friend Sanjay Bhandari did not get a defense deal? मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष के संदर्भ में विशेष संजय भंडारी सीसी थंपी एचएल पावा के साथ उनके क्या रिश्ते हैं उस पर स्वयं राहुल गांधी को बिना स्टेज किए एक पत्रकार परिषद करनी चाहिए और विशेष उन पत्रकारों को जवाब देना चाहिए जिनके पास पहले से सवाल उन्होंने सुनिश्चित नहीं किए हैं। सब दीज topics that I have presented to you have come through news agencies, newspapers, news websites.